और दोस्तों क्या हालचाल है। तो आजकल काफी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा कि हम सिंगल डोर फ्रिज में जब थर्मोस्टेट लगाते हैं तो वो थर्मोस्टेट काम नहीं करता, फिर भी बहुत सारी बर्फ जम जाती है, वो कट ऑफ नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए क्या समस्या है, क्या कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, चाहे रिले में प्रॉब्लम है, या थर्मोस्टेट ही हम गलत तरीके से लगा रहे हैं, या वो थर्मोस्टेट ही काम नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर तीन प्रॉब्लम है छोटी छोटी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके बारे में प्रैक्टिकल करके बताऊं ताकि आप सबको समझ में आए और उन सभी टेक्नीशियन भाइयों को भी समझ में आए जिनके साथ में ये प्रॉब्लम आती है। तो ये तीन छोटी सी प्रॉब्लम अगर आप समझ लेंगे तो उसके बाद आपको ये काम में कहीं पे भी फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपका काम हो जाएगा। इसलिए बिना स्किप करे इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास में है ये वर्लपूल का थर्मोस्टेट, और मैं आपको बता दूं कि सिंगल डोर के थर्मोस्टेट दो टाइप के आते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, और दिखने में सारे सेम टू सेम दिखते हैं, लेकिन उनके मॉडल नंबर के हिसाब से और उनके गैस नंबर के हिसाब से उनका अलग अलग काम है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि अगर किसी फ्रिज में अलग तरह की गैस है और आप अलग तरीके का थर्मोस्टेट है और उसकी गैस में अलग तरीके की लिखी हुई है तो वो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। काम तो कर जाता है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं करता। तो यही चीज मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब आप किसी कस्टमर के यहाँ पे थर्मोस्टेट लगाने जा रहे हैं या आपके ही कोई फ्रिज हो जिसमें आप थर्मोस्टेट लगाना चाहते हैं, तो आप पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने जो थर्मोस्टेट निकाला है वही सेम टू सेम आपने दुकान से लेके आए, और दुकान वाले को ये जरूर बताना है कि आपके फ्रिज में कौन सी गैस है, क्योंकि कई बार मॉडल नंबर तो बिल्कुल सेम दिखते लेकिन गैस का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आजकल कई अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके की गैस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो गैस होती है वो R134 या R600 या हाइड्रोकार्बन आपको देखने को मिलेगी, और गैस का नंबर जो है आपके फ्रिज के पीछे स्टिकर लगा हुआ है वहां लिखा हुआ होगा, या कंप्रेसर के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है वहां पे भी लिखा हुआ होता है। तो उसके लिए तो आपको आपके फ्रिज के पीछे से स्टिकर के ऊपर देखना पड़ेगा या नीचे कंप्रेसर के ऊपर जो स्टिकर लगाया वहां पे देखना पड़ेगा। तो जो भी नंबर की गैस है थर्मोस्टेट लेते समय आपको गैस नंबर भी बतानी है कि भैया हमारे फ्रिज में ये नंबर की गैस है, उसी के हिसाब से उसका थर्मोस्टेट दो, और इस पैकेट के ऊपर भी गैस का नंबर लिखा हुआ होता है। तो ये देखिए, ये यहां पे लिखा हुआ है वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब कि ये वर्लपूल कंपनी ये पार्ट बनाती है, और ये जरूरी नहीं कि आपके वर्लपूल के फ्रिज में लगे, ये आपके सैमसंग में भी लग जाता है, गोदरेज में भी लग जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि आपके जो फ्रिज में जो गैस है वो कौन सी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए R600A 180 लीटर के फ्रिज का ये थर्मोस्टेट है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है R600A 180 लीटर के फ्रिज का है, 180 लीटर के मॉडल का है। तो 180 लीटर के जो भी मॉडल होते हैं, सैमसंग के अंदर हो, वीडियोकॉन के अंदर हो, गोदरेज के अंदर हो, वर्लपूल के अंदर हो, ये सब में ये वाला लग जाता है, बस इसी तरह का इसी टाइप का होना चाहिए। चलिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो देखिए, अब कई बार ये नंबर देख करके हम ले लेते हैं लेकिन नंबर तो बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन वो किस गैस के ऊपर काम कर रहा है, किस गैस के ऊपर नहीं करेगा वो भी देखना पड़ता है, और कितने लीटर का फ्रिज है वो भी देखना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे पैकेट के ऊपर ही लिखा है 180 लीटर तक के फ्रिज पे काम कर जाता है, अगर 180 लीटर का कम भी फ्रिज होगा तो भी ये काम कर जाएगा, कई बार 200 लीटर तक भी कर जाता है, लेकिन मेन जो चीज है ना वो आपको यहाँ पे गैस नंबर आपको ध्यान देना है कि गैस R600 है या R134 है। अगर R134 है तो वो उसी पे काम करेगा क्योंकि उसका टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, R600 की है तो उसके टेम्परेचर का भी फर्क अलग अलग पड़ेगा, इस वजह से आपको गैस का नंबर भी देखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अब जैसे कि ये मेरे पास में ये इस टाइप की है और सभी लगभग इसी टाइप की होती है, यहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट दो कनेक्टर मिल जाते हैं, एक में आपको करंट लगाना है और एक से आउटपुट होगा, जैसे कट ऑफ होगा ये स्विचिंग का काम करेगा, कंप्रेसर को कट ऑफ करने का काम करेगा। अगर यदि आपके केस में ये वाला थर्मोस्टेट फिर भी काम नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, कई बार होता है कि हमने थर्मोस्टेट भी बिल्कुल सेम लगा दिया फिर भी जो है आपने कंप्रेसर को कट ऑफ नहीं कर रहा, बर्फ बहुत ज्यादा जम रही है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत ज्यादा बर्फ जमना तो ये तो एक नॉर्मल चीज है सिंगल डोर फ्रिज के अंदर, लेकिन बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बर्फ जमना ये नॉर्मल नहीं है, उस केस में आपका ये थर्मोस्टेट ही खराब है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बर्फ है ना वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पाती है, तो बर्फ के ऊपर बर्फ जमती रहती है, तो उसका एक कारण होता है कि हमारा जो फ्रिज है वो बार बार नहीं खुलता है, बहुत कम खुलता है, इस वजह से भी होता है। तो उस केस में आप इस थर्मोस्टेट का टेम्परेचर कम करके रखिए, और जब बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है महीने में 15 दिन में, तो आपको यहाँ पे ये जो बीच का जो बटन होता है इसे आपको पुश करके रखना है, इसको पुश कर देना है तो वो डिफ्रॉस्ट सिस्टम में चला जाएगा, जब तक पूरी बर्फ मेल्ट नहीं हो जाती तब तक आपका कंप्रेसर चालू नहीं होगा। तो ये चीज आपको महीने 15 दिन में एक बार करनी ही पड़ेगी, जिनका फ्रिज बहुत ज्यादा नहीं खुलता है, बहुत कम खुलता है और उनके यहाँ पे बर्फ जमती रहती है, तो ये उस केस में करना है। लेकिन यदि फ्रिज कट ऑफ ही नहीं कर रहा है, हर 2-4-5 दिन के अंदर बर्फ बहुत ज्यादा जम रही है, तो उस केस में आपका थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम है, थर्मोस्टेट नया लगाने के बाद में भी सेम प्रॉब्लम है, तो आप समझ लीजिए कि या तो आपने थर्मोस्टेट गलत लिया है या आपने थर्मोस्टेट सही
सही नहीं लगाया, या आपने जो थर्मोस्टेट लेके आए हैं वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, या वो भी डिफेक्ट हो सकता है। अब हमें कैसे पता चले कि ये डिफेक्ट है या ये काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, कैसे पता चले? तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल बताता हूं। तो दोस्तों देखो, मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। ये मेरे पास में बर्फ है, इसमें मैंने ये बर्फ के क्यूब्स डाले हैं और इसके अंदर भी नीचे बर्फ जमी हुई है। तो आपको अच्छे से बर्फ ले लेनी है और उसके बाद में इस बर्फ के ऊपर आपको नमक डालना है, और उसके बाद में ये वाला जो टेम्परेचर सेंसर है इसका, ये वाला आगे का सेंसर, ये तार को इसके अंदर डालना है थर्मास्टेट की, और फिर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अगर ये माइनस टेम्परेचर में जाकर के बंद हो जाता है तो समझ लीजिए ओके है। तो चलिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मैं ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर इस्तेमाल करूंगा। ये देखिए, इसमें अभी कॉन्टिन्यूटी आ रही होगी। मैं आपको बता दूं कि ये दो केस में खराब होता है, जैसे कि अभी कॉन्टिन्यूटी आ रही है तो ये चालू है, तो ये बंद में भी खराब होता है। कई बार कंप्रेसर हमारा चलता नहीं है, कूलिंग नहीं करता, और पता चलता है कि कंप्रेसर सही है, रिले भी सही है, हमारा यही खराब है क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही नॉर्मल टेम्परेचर में। वो 99 केस में ऐसा होता है, बाकी ज्यादातर ऐसे ही खराब होता है कि इसमें कॉन्टिन्यूटी आ रही है लेकिन ये कट ऑफ नहीं कर रहा। तो ये एक खराब होने का इसका तरीका है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये मेरे पास में वायर है, मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ इस तरह से, और इसका दूसरा सिरा मैं इस कॉन्टिन्यूटी पे यहाँ और इस जगह पे लगा लेता हूँ, और देखिए मैं आपके सामने इसे रखूंगा। ये देखिए, ये चालू रहेगा और जैसे ही इसमें टेम्परेचर आएगा तो ये जो है बंद हो जाएगा। अगर ये बंद हो जाता है तो ये बिल्कुल ओके है। तो इसी तरह से आपको टेस्टिंग करनी है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले नमक डालता हूँ, थोड़ा सा नमक डालना, लेकिन मैं डब्बे से डाल लेता हूँ। अच्छे से नमक डालना चारों तरफ। तो देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया, तो इसके बाद में आपको इस तरह से इसे बना के इसको बर्फ के नीचे दबा लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बर्फ को उठा लेता हूँ और उसके बाद में मैं इसे बर्फ के नीचे दबा देता हूँ। तो आप देखना यहाँ पर जैसे टेम्परेचर आएगा ये बंद हो जाएगा, ये कट ऑफ करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये थर्मास्टेट बिल्कुल ओके है। तो चलिए मैं यहाँ पे दबा देता हूँ इसे और नीचे दबाता हूँ। तो ये देखिए, ये बंद हो गया। मैंने इसे दबाया तो यहाँ पे कट करने की आवाज भी आई, तो ये कट ऑफ हो गया अभी। तो इस तरह से ये आपका थर्मास्टेट ओके माना जाएगा, ये अभी बंद हो चुका है। अभी मैं इसको जैसे ही बाहर निकालूंगा तो ये ऑटोमेटिक चालू भी हो जाएगा और इसमें कट करने की आवाज आएगी। तो देखिए, ये माइक मैंने यहाँ पे पास में रख लिया है और इसकी कट की आवाज आपको सुनाई देगी, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। देखा, टेम्परेचर प्लस में आते ही ये चालू हो गया और यहाँ पे हमारी लाइट भी चालू हो गई। तो इस तरह से आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो ये है एक तरीका इसे चेक करने का। तो देखा आपने कि किस तरह से ये काम किया, इसी तरह से ये थर्मोस्टेट काम करता है। अभी देखिए मैंने इसे ऊपर उठा लिया है और अभी भी हमारी जो है लाइट बंद है। तो जैसे ही वापस इसमें टेम्परेचर आएगा तो ये चालू हो जाएगा। ये देखिए चालू हो गया। तो ये है एक तरीका आपके उस थर्मोस्टेट को चेक करने का, अगर वो डिफेक्ट है या नहीं है तो इसे इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई उपाय नहीं है, आप इसे चेक करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां पे सारी चीजें समझ में आ गई। जिन जिन दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा था उनको उनके जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो, नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। और यदि चैनल पर नया है तो नीचे लाल बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है, एक ही बार करना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।